है, क्योंकि यहाँ जो बाबूज हैं, जो 2019 से जो सरकारी बाबूज हैं, वो बहुत पावरफुल हो गए, बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर से उनका कोई नाता नहीं है। जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है 2019 से, यहाँ पे आवाज उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब की डेट में मैं कहूंगी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। नया कश्मीर कैसा कश्मीर है जहाँ आपके पास हॉस्पिटल तक नहीं है? ना कुछ हो रहा है सब जम्मू कश्मीर में, या हुआ है, सही हुआ है, गलत, तमाम से PDP की देन। देखिए, मैं आपको एक चीज एज अ न्यूट्रल पर्सन बोलूंगी, नॉट एज इल्तिजा डॉटर ऑफ महबूबा मुफ्ती साहिबा। मैंने यहाँ जितने भी लोगों से बात की, 90% ऑफ देम दे केम अप टू मी एंड दे टोल्ड मी कि मुफ्ती साहब ने जितना हमारा ख्याल रखा इस रीजन का, पी पंचाल का, उसका उतना शायद ही यहाँ के किसी भी सियासतदान ने रखा हो। मरकजी सरकार किसकी है? BJP की है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं BJP की, शायद उनको शर्म आती हो, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स LG एडमिनिस्ट्रेशन लगवा रही है, बुलडोजर चला रही है, डोमिसाइल जॉब, तो उनको शायद एम्बेरसमेंट होती है। क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं, अपनी आंखें खोलें, 2019 से लेकर अब तक वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी हो, स्टूडेंट्स हो, हमारे यूथ हैं, पंडित हैं, सब सफर कर रहे हैं। और आपको देखना है कि आपका कौन फ्यूचर खराब कर रहा है, BJP है। जब इलेक्शन होते हैं, आके हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी पोलराइज सारा करके इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते हैं। नफरत डालें, सस्पिशन डालें कि आप मेरे पे शक करें, मैं आप पे शक करूं, उससे ही इनकी दाल पकेगी। 370 तो इनने हमसे पूछ के एब्रोगेट नहीं किया ना, तो अगर ये पहाड़ी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे? इनके हाथ तो बंधे हुए नहीं है, पार्लियामेंट में तो इनकी 2/3 मेजोरिटी है। जब आर्टिकल 370 इलीगली एब्रोगेट करना पड़ा, वो तो इन्हें पार्लियामेंट ने कर लिया, तो ये पहाड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जज्बातों का ये मजाक। इस वक्त जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, महबूबा मुफ्ती जी की शहजादी इल्तिजा मुफ्ती जी। सबसे पहले वक्त देने के बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, पहली बार आप पुंछ में आए हो जी। मुफ्ती साहब को पुंछ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, तो आपको पुंछ में आके कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। जैसे आपने कहा, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत सारा काम किया, जैसे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, शाहदरा शरीफ में गेस्ट हाउस, रोड्स की कनेक्टिविटी, यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उनके जाने के बाद यहाँ के लोगों को अपना आप अनाथ लग रहा है। इन द सेंस, जो उनने प्रोजेक्ट स्कीम स्टार्ट की थी, वो जानबूझ के शायद जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। जैसे मैं यहाँ आई, यहाँ रोड्स की खस्ता हालत है। मुगल रोड, विच इज एन ऑल वेदर रोड, उसको बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल, मैं अभी पुंछ में हूँ, यहाँ इतने लोगों से मैं मिली, इतने लोगों से मुलाकात की, उन सब ने कहा कि यहाँ का जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। डॉक्टर्स नहीं है, मशीन नहीं है, जो यहाँ के पेशेंट्स है उनको रेफरल दिया जाता है जम्मू का। फिर अगर बात करें जॉब्स की, जो मनरेगा स्कीम थी जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, वो भी मनरेगा स्कीम यहाँ बंद कर दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिससे इंजीनियर्स एम्प्लॉय होते थे सोशल सेक्टर में, वो भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एंड उनके लिए कोई रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो किसके पास जाएं इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे मुफ्ती साहब से लगता है कि आई कैन फील हिज प्रेजेंस हियर। बट मुझे बुरा भी लगता है कि यहाँ के लोग दे गोइंग थ्रू सो मच, एंड कोई भी उनकी यहाँ मदद नहीं कर रहा है। जैसे जंगलात में जो ट्राइबल्स हैं, उनको भी इविक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ सब सफर कर रहे हैं, वेदर दे यंग, जवान हो, हमारे यूथ हो, बुजुर्ग हो। पेंशन लेने के लिए उनको किलोमीटर तक चलना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, वो हैंडीकैप्ड हो, बुजुर्ग हो, तो इट्स वेरी सैड ऑल्सो। मैम, जब खिताए पीर पंजाल की बात करते हैं, जब भी आप सीनियर लीडरशिप से बात करें या के लोकल लीडरशिप से, वो हमेशा ये कहते हैं एरिया ऐसा है जो हमेशा से सियासत का शिकार रहा है। आज तक इस एरिया में सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाई है, लेकिन इस एरिया की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कि हकीकत में ऐसा है कि खिताए पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज किया गया एरिया है? देखिए, देयर इज नो डाउट कि ये एरिया बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड रहा है, एंड क्यों निग्लेक्टेड रहा है, शायद ये पॉलिटिक्स का शिकार ही हुआ है, क्योंकि यहाँ शायद डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे लगता है भाजपा को आके वो पोलराइज कर पाएंगे, और तभी वो इतना पहाड़ी वर्सेज गुजर, मुस्लिम वर्सेज पंडित, दे ट्राई टू प्ले इट अप। बट इट्स वेरी सैड, बिकॉज बीच में यहाँ के लोग ही, जैसे आपने खुद कहा, वो पिस रहे हैं। तो इट्स वेरी सैड कि वो पॉलिटिक्स की वजह से सफर कर रहे हैं, और बेसिक चीजें जो हैं, रोड्स हैं, मैं यहाँ 5-6 घंटे गाड़ी में हमने सफर किया, यहाँ के रोड इतने खराब है, खुदा ना खासा किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, यहाँ का हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है। जम्मू तो पहुंचते पहुंचते बंदा
उनकी जिसकी तबीयत खराब हो, यहाँ बेसिक चीजें नहीं है, तो डेफिनेटली देव बिन निग्लेक्टेड। आपने बात की हॉस्पिटल को लेके, अगर बात की जाए, पुंछ एक बॉर्डर एरिया है जी, यहाँ की बात करें आज भी तक जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसको ट्रामा सेंटर भी नहीं मिला, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है इसको रेफरल हॉस्पिटल पुंछ का नाम भी दिया गया है। तो पुंछ में इस टाइम 13 से 14 जो डॉक्टर्स हैं जिनकी आज भी कमी है जी। तो ये तमाम चीजें इनके जिम्मेदार कौन है, क्या यहाँ के हुक्मरान ही जिम्मेदार है इनके, या लोगों की कोई गलतियां हैं जो उनका सिला उनको दिया जा रहा है? नहीं, लोगों की क्या गलती हो सकती है, लोगों की गलतियां हो सकती हैं क्या, उन्होंने ऐसे रहबर को चुना जो आगे उनके लिए काम नहीं कर रहे आज? देखिए वो मैं उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज जो लोग डिसाइड करते हैं तब वो किसको वोट देते हैं वो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, मैं उनको जज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे जैसे आपने कहा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है, उसकी वजह से लोग यहाँ बहुत सफर कर रहे हैं। और अब की डेट में मैं कहूंगी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, क्योंकि वो इतने दावे करते हैं कि वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया कश्मीर दिखा रहे हैं। तो नया कश्मीर कैसा कश्मीर है जहां आपके पास हॉस्पिटल तक नहीं है, जहां एक प्रेग्नेंट औरत जाती है डिलीवरी के लिए, पहले तो रोड ही इतना खराब है, फिर वहां उनकी डिलीवरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक नहीं है जो वहां अटेंडेंस करें, पेशेंट्स का ख्याल रखें। तो लोग यहां बहुत सफर कर रहे हैं, बेसिक थिंग्स आर नॉट देयर इन दिस रीजन। यही चीजें जब ओपोजिशन से बात की जाए, ओपोजिशन हमेशा ये कहती है तमाम देन जो है पीडीपी की देन है जी, जितना कुछ हो रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में या हुआ है जी, सही हुआ या गलत, तमाम चीजें पीडीपी की देन है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज एज अ न्यूट्रल पर्सन बोलूंगी, नॉट एज इल्तिजा डॉटर ऑफ महबूबा मुफ्ती साहिबा। मैंने यहाँ जितने भी लोगों से बात की 90% ऑफ देम दे केम अप टू मी एंड दे टोल्ड मी कि मुफ्ती साहब ने जितना हमारा ख्याल रखा इस रीजन का, पीर पंचाल का, उसका उतना शायद ही यहाँ के किसी भी सियासतदान ने रखा होगा। तो उनने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, यूनिवर्सिटीज थी, रोड था, इंफ्रास्ट्रक्चर थी, स्कीम्स थी, उसके बाद ये एरिया निग्लेक्ट हुआ। लेकिन जब आप पीडीपी को कहते हैं लोग जिम्मेवार कह रहा रहे हैं, आई थिंक यू मीन पीडीपी बीजेपी जो कोएलिशन थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो लोग हैं उनको, मुझे लगा कि मुफ्ती साहब से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैं कश्मीर में जहां भी गई हूँ मुझे लगता है पीर पंचाल में सबसे ज्यादा मुझे लगा कि उनको मुफ्ती साहब, दे फील लाइक ही डिड अ लॉट फॉर दिस प्लेस। सो आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट। पुंछ की अगर पब्लिक की बात करें, पुंछ की ऐसी पब्लिक है मतलब साधारण से लोग हैं, इन्हें अगर पता चलेगा पुंछ में गुलाम नबी आजाद साहब आ रहे हैं तो लोग भारी तादाद में पहुंच जाएंगे बिना किसी फायदे के। अल्ताफ बुखारी जी आ रहे तब भी आ जाएंगे, रविंद्र राणा जी आ रहे तब भी आ जाएंगे, आज महबूबा मुफ्ती साहिब आए तब भी आ गए। लोग हमेशा ये सोचते हैं क्या हमारी, चलो कोई तो हमारे हक की अब बात करेगा, उसी उम्मीद में तमाम लोग जलसों में शमूलियत कर लेते हैं। लेकिन क्या पीडीपी भी आप लोगों को कुछ देगी, क्योंकि लोगों को देने वाली पार्टी जो अभी तक पुंछ में ऐसी नहीं है, या आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या पीडीपी जो है पीर पंजाल के लोगों को कोई खुशी के पल फिर से देगी? मैं मुफ्ती साहब की एक सोच थी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर पीडीपी को थोड़ा सा भी पावर आए, दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पीर पंचाल, दे डू जस्टिस टू दैट मैंडेट। क्योंकि जब लोग ऐसे एरिया में आपके लिए वोट करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है टू प्लेस देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत में। तो आई होप दे डू जस्टिस। सो यस, जब भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन तब तक जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है 2019 से, यहाँ पे आवाज उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे महबूबा जी ने कंसिस्टेंटली आवाज उठाई है अपनी, और उसके लिए उन्होंने कीमत भी चुकाई है, पीडीपी को तोड़ा गया, उनकी जमात, और आपकी जमात एक बच्चे की तरह होती है जिसका आप आप नर्चर करते हैं उसे अपने बच्चे की तरह, वो उनकी आंखों के सामने पार्टी तोड़ी गई, लेकिन फिर भी वो डट के अपने स्टैंड के साथ रही है। एंड आई होप दैट शी कीप स्पीकिंग फॉर हर पीपल लाइक शी हैज। हम जम्मू कश्मीर की बाकी एरियाज की बात की जाए, तमाम एरियाज में अगर बिजली सही से नहीं पहुंची लेकिन पहुंची जरूर होगी, पानी सही से नहीं पहुंचा लेकिन पहुंचा जरूर होगा, लेकिन खिताए पीर पंजाल के पुंछ के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, आज तक पानी नहीं पहुंचा, आज तक स्कूल नहीं पहुंचा, और लोगों के लिए मेडिकल कोई फैसिलिटीज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हाड़ी बुड्ढा के लोगों को देख लो, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान सबसे ज्यादा उन लोगों ने सफर किया, लेकिन आज तक वो लोग बैकवर्ड रहे। चिखड़ी बंद की बात करें, वो लोग आज तक इतने पीछे मायूस हैं वो सरकारों से। क्या आपकी सरकार उन लोगों के लिए आने वाले वक्त में कुछ अच्छे कदम उठाएगी? देखिए मेरी सरकार तो नहीं होगी वो, मतलब जिसकी भी होगी, अगर पीडीपी की भी होगी तो मैं पार्टी में तो अभी शामिल नहीं हूँ। तो बट जब भी इलेक्शन होता है तो आई होप जो भी सरकार में आए, वो पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी हो, आई होप दे टेक इनटू कंसीडरेशन कि जो यहाँ के लोग है बहुत सफर कर रहे हैं। जैसे आपने पावर की बात की, यहाँ परनाव पावर प्रोजेक्ट करके है कुछ, परनाव नाम है, उसका भी काम रोक दिया गया है। तो जो चीजें आप कर भी सकते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर भी सकती है,
वो भी रोक दी गई है, क्योंकि यहाँ जो बाबूज हैं, जो 2019 से जो सरकारी बाबूज हैं वो बहुत पावरफुल हो गए, बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर से उनका कोई नाता नहीं है, बाहर से आते हैं, दे डोंट केयर, उनको फुल वो पावर एंजॉय करते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी. तो द ओनली वे पीपल कैन सॉल्व दिस इश्यू इज कि जब इलेक्शन हो वो अपने, जैसे आपने कहा, नुमाइंदे उनको इलेक्ट करें, जो उनको लगे उनके लिए काम करें, उनकी एक डेली बेसिक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करें. आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन फॉरवर्ड. आप यूथ को किस तरह से देखती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यूथ इस टाइम लगातार सड़कों पे दिख रही है, बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत से एग्जाम्स में नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे पहुंच चुकी है. अब लोगों ने जॉब की जगह जो है वो पढ़ा लिखा चाय वाला, पढ़ी लिखी चाय वाली, स्टूडेंट चाय वाला, बीटेक चाय वाला, ऐसे बिजनेस अब वो पढ़ाई के नाम से वो स्टार्ट करके एक टाइप अगर बात करें वो मौजू ले रहे हैं सरकार का. तो आप उन चीजों को कैसे देख रहे हैं, यूथ कितनी सफर कर रही है इस वक्त? देखिए, जब मैं जम्मू आई राजौरी पुंछ आने के लिए तो मैंने पार्टिसिपेट किया, ये जो एपेक के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने कैंडल लाइट विजिल किया जम्मू में, और इतने सारे यंग लड़के लड़कियां दे हिट द स्ट्रीट्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे. मुझे ताजुब होता है कि इनके इतने प्रोटेस्ट के बावजूद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी टस से मस नहीं हो रही है. मतलब आप दांधली पे दांधली करते हैं, 2019 से वो एफएए हो, सब इंस्पेक्टर जो भी लिस्ट हो, सारे एग्जाम स्क्रैप कर दिए गए. आप एग्जाम तक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ की यूथ के से कुछ लेना देना नहीं है, आप डिलिबरेटली उनका फ्यूचर सैबोटाज कर रहे हैं. ऊपर से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 40%, तो जिनके गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, आप खुद भी जानते होंगे सीआईडी ने कैसे उनको जॉब से निकाल दिया गया है. तो जिनको, जिनके पास जॉब्स भी हैं पब्लिक सेक्टर में, आप उनको निकाल रहे हैं. जो पब्लिक सेक्टर में आना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो आप एग्जाम तक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होल्ड कर पा रहे. लेकिन मैं यहाँ के यूथ की फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ, उनका दर्द समझती हूँ, क्योंकि उनको घर के खर्चे होते हैं, घर चलाना है, अपने ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं. बट माई ओनली सजेशन टू देम वुड बी कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अब ऐसा एनवायरमेंट बना दिया है कि वो आके आपको आपके हुकूक राइट्स नहीं देने वाले. आपको बेसिक चीजों के लिए अब लड़ाई करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, लेकिन आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी. बीजेपी के लीडरों से जब भी सवाल किए जाते हैं एलजी को लेकर या बाकी दीगर जो कमिश्नर सेक्टर जो उनको लेकर, वो कहते हैं उनसे हमारा कोई रब्ता नहीं है. आप इसको किस तरह से थी, क्योंकि वो कहते हैं ये तमाम एलजी साहब काम कर रहे हैं, इससे हमारे बारे, हमसे कोई इसके बारे में पूछा नहीं जाता, ये काम करना है नहीं करना. तो ये तो बिल्कुल झूठ हुआ ना. आप मुझे खुद बताइए, आज की डेट में इंडिया में जहां पे भी गवर्नर या एलजी है वो कौन अपॉइंट कर रहा है? मरकजी सरकार. मरकजी सरकार किसकी है? बीजेपी की है. तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं बीजेपी की, शायद उनको शर्म आती हो, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगवा रही है, बुलडोजर चला रही है, डोमिसाइल्स, जॉब्स, तो उनको शायद एम्बैरेसमेंट होती है और तभी वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं. लेकिन ये चीज बहुत साफ है कि यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो न्यूट्रल नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ बीजेपी का एजेंडा ही चला रही है. जम्मू प्रोविंस की बात के, वहां से एक और मुहिम उतरी है, उस मुहिम में ये बताया जा रहा है कि जम्मू को सेपरेट किया जाए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के लीडर्स ने आज तक जो है वो राज किया है जम्मू कश्मीर पे, और जम्मू को जो है उन्होंने एकदम से नजरअंदाज किया. तो आप क्या कहते हो कि हकीकत में क्या ऐसा हुआ है कि जम्मू को नजरअंदाज किया गया है कश्मीर की अगर बजाय बात की जाए? देखिए, जम्मू का मैंडेट दिमाग में रखते हुए ही पीडीपी ने अपनी पूरी, मतलब हाथ जला दिए. मुफ्ती साहब नहीं चाहते थे कि जम्मू के लोगों को लगे कि हम उनका मैंडेट रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. अगर उनको पावर चाहिए होता तो वो कांग्रेस और एनसी के साथ भी कोएलिशन गवर्नमेंट चला लेते. अभी हम पुंछ में है, आपने जैसे कहा कि पीर पंचाल एक वो विक्टिम बन गया है पॉलिटिक्स का, वैसे ही जम्मू में भी बहुत पॉलिटिक्स किया जाता है. और मैं चाहती हूँ कि जम्मू के जो लोग हैं अपनी आंखें खोले. 2019 से लेकर अब तक वहां की बिजनेस कम्युनिटी हो, स्टूडेंट्स हो, हमारे यूथ हैं, पंडित्स हैं, सब सफर कर रहे हैं. और आपको देखना है कि आपका कौन फ्यूचर खराब कर रहा है, बीजेपी है. जब इलेक्शन होते हैं आके हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी पोलराइज सारा करके इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते हैं. आई होप कि अब जम्मू के जो लोग हैं उनकी आंखें और कान खुल चुके हैं, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर यहाँ बर्बाद करने कौन कौन पीछे पड़ा है, वो बीजेपी ही है. खिताब पीर पंजाल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कार्ड खेला गया था एसटी और पहाड़ी को लेके, रिजर्वेशन को लेके. लगातार पहाड़ी कम्युनिटी को ये बताया गया कि आपको हम एसटी रिजर्वेशन देंगे, वहीं एसटी कम्युनिटी को भी ये कहा गया कि आपके हकों के साथ छेड़खानी नहीं, क्योंकि दोनों की कोई लगभग आपस में एक जंग टाइप बन चुकी थी.
उस तमाम माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल बीजेपी की एक चाल ही है कि वो लोगों के बीच में फूट डालें, नफरत डालें, सस्पिशन डालें कि आप मेरे पे शक करें, मैं आप पे शक करूं, उससे ही इनकी दाल पकेगी। 370 तो इनने हमसे पूछ के एब्रोगेट नहीं किया ना, तो अगर ये पहाड़ी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे? इनके हाथ तो बंधे हुए नहीं है, पार्लियामेंट में तो इनकी 2/3 मेजोरिटी है। जब आर्टिकल 370 इलीगली एब्रोगेट करना पड़ा वो तो इन्हें पार्लियामेंट ने कर लिया, तो ये पहाड़ीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जज्बातों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। जो जो लोगों के हुकूक है अगर उनको मिलने चाहिए, एंड इवन फॉर पहाड़ीज, बट बीजेपी इज जस्ट प्लेइंग विद देयर इमोशंस। किसी को रिजर्वेशन वो देने नहीं वाले, क्योंकि अगर देना चाहते तो उनको क्या, कौन सी चीज ज्यादातर इल्जाम है वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है आज तक इन लोगों को भी दबा के कश्मीर की पार्टियों ने रखा। आप 70 साल में नेहरू तो चले गए, अब आपको मेन स्ट्रीम पार्टीज को बलि का बकरा बनाना है। कितने सालों के लिए आप लोगों की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? पिछले 8 साल से तो आप इक्तदार में, आपको क्या चीज रोक रही है? आप तो इतने पावरफुल है, आपको जो मन चाहे आप करते हैं, तो इसमें आप दूसरी पार्टीज को क्यों ब्लेम करते हैं? आपके हाथों बंधे हुए नहीं है, आपको उनको रिजर्वेशन देनी है, करनी है, करिए। पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, देखते हैं, उसमें पास करिए, लाइए बिल, क्यों नहीं करते हैं आप? और कब तक आप NCPDP बाकी जमातों को ब्लेम करेंगे? 9 साल से तो सरकार आपकी है, 5 साल हो गए, जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो अंडर सेंट्रल रूल, ये सारे बहाने हैं और कुछ नहीं है। जब पीडीपी की इब्तिदा हुई थी, पीडीपी पे इल्जाम लगाया गया कि ये मरकज की जानिब से एक प्लांटेड पार्टी है, उसी तरह से आप जो 2-3 नई पार्टियां, अपनी पार्टी की बात करें, पीसी की बात करें, डीएपी की बात करें, उन पे भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये मरकज की जानिब से प्लांटेड पार्टी है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हकीकत में वो प्लांटेड पार्टी है या सिर्फ ये इल्जाम? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, सबकी अपनी एक पॉलिटिकल जर्नी होती है। मेरी मदर महबूबा जी की अपनी जर्नी रही है, उनकी भी अपनी जर्नी रही है। आई विश देम लक। मैं उनको अक्यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट्स देयर बिजनेस। बट रहा पीडीपी का सवाल, वो मैंने एज अ चाइल्ड, मैं 9 साल की थी जब महबूबा जी ने डोर टू डोर, वो साउथ कश्मीर में जाती थी और ऐसे इलाकों में जाती थी जहां आदमियों को डर लगता था। तो जहां पीडीपी का सवाल है, ये इनने मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब और मेरी मदर महबूबा जी ने अपने खून और पसीने से पार्टी बनाई है। इनके पास पैसे तक नहीं होते थे, मैनिफेस्टो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इनका होता था, नॉर्मल A4 शीट्स पे। तो ये स्ट्रगल करके ऊपर आए। अगर लोगों को ये बोलना है कि एजेंसी का है, जो है वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं पीडीपी का ही बोल सकती हूँ कि वो कैसे उनने ये पार्टी, बच्चे को जैसे आप नर्चर करते हैं वैसे करके बनाई। रहा बाकी पार्टीज का सवाल, आई हैव नो कॉमेंट ऑन देम, वेदर इट्स जो भी पार्टी आपने जिनका नाम लिया, गुड लक टू देम, सबकी अपनी पॉलिटिकल जर्नी होती है। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल का हल कौन सा लीडर निकालता है? ऐसा कोई फेस आपकी नजरों में है जिसको आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर हम जम्मू कश्मीर का मसला सॉल्व करना चाहते हैं तो वी नीड अ गवर्नमेंट एट द सेंटर जिसका एक तो मैंडेट हो और गुर्दा हो और विजन हो। जब तक ये नहीं हो, आपकी जो सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स रही हैं वो रेकमेंड कर सकती हैं कि आप ये करिए, आप सेल्फ रूल करिए, आप ऑटोनॉमी करिए, लेकिन जब तक हमारी ऐसी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं आती है जिसका विजन हो, यू कैन नॉट रिजॉल्व जम्मू एंड कश्मीर। एंड टू रिजॉल्व जम्मू एंड कश्मीर, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर इट्स मेन स्ट्रीम पार्टीज, हुरियत, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको सबको साथ चलाना है और उन सबसे पूछना है कि आपके, हाउ डू वी सॉल्व दिस इशू, यू हैव टू इन्वॉल्व एवरीबडी। पार्लियामेंट्री सीट की बात करें, राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जाके ज्वाइन किया गया, क्या राजौरी पुंछ को एक अलग एमपी की सीट नहीं दी जा सकती थी? देखिए, बीजेपी ने डिलिमिटेशन वक्त आने से पहले इसलिए की ताकि वो इलेक्शन से पहले टैक्टिकल रिगिंग करें। दैट मीन्स आप वेट भी नहीं करते हैं इलेक्शन होने का, आप उससे पहले रिगिंग करना चाहते हैं, तभी यहाँ मुस्लिम जो वोट है खासतौर से राजौरी पुंछ का, वो जानबूझ के इसलिए डाइल्यूट किया गया है क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि मुस्लिम लोग के अपने नुमाइंदे हों, अपने रिप्रेजेंटेटिव हों, तभी उनका, नॉट इवन अ सिंगल बीजेपी एमपी इज अ मुस्लिम, और उनकी यही कोशिश है कि मुस्लिम थ्रू आउट द कंट्री, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, उनका वोट मैटर ही नहीं करे, और तभी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऐसे काटा जोड़ा कि मुस्लिम वोट डाइल्यूट हो जाए। आप आज पहली मर्तबा पुंछ आए हैं, पुंछ की पब्लिक आज आपको सुनना चाहती थी, वो सुन नहीं पाए, लेकिन अगर कोई खसूसी पैगाम आप पुंछ की पब्लिक को देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से?
मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन ओनली से दैट यू नो सब एक साथ रहें, और जैसे बीजेपी की कोशिश है कि वो पहाड़ी वर्सेस गुजर कर रही है, यहाँ के लोगों में, खासकर पीर पंचाल के लोगों में मुझे लगा फूट डालने की कोशिश कर रही है। आप बिल्कुल भी डोंट फॉल प्रे टू देयर डिजाइन, ये बीजेपी का शुरू से रहा है कि अपनी दाल गलाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपस में सस्पिशन फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि जो पीर पंचाल के लोग हैं वो एक साथ एकजुट चले और अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती जी, एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे साथ मजीद वीडियोस देखने के लिए सब बने रहे। खुदा हाफिज़।